वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्रोवा टेबलेट के बारे में। इसमें इसकी संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सिप्रोवा टेबलेट के अंदर जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम मिल जाएगा, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 47 रुपीज़ है, 47 रुपया है। 47 रुपया में जो है आपको 10 टेबलेट का एक पत्ता मिल जाएगा, कुछ इस तरह के स्टिप लुक में आता है, देख सकते हैं। ये लुपिन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर इसके यूज की बात करें, किन किन बीमारी में जो है इसका इस्तेमाल में लिया जाता है, तो देखिए, इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड बुखार हुआ हो तो उस कंडीशन में ये टेबलेट दिया जाता है। इसके अलावा जो है यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण जो है पेशाब करते समय दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल लिया जाता है। या पेशाब के रास्ते में सूजन हो तो उस कंडीशन में भी जो है ये टेबलेट जो है सिप्रोवा टेबलेट लिया जाता है। इसके अलावा जो है हड्डियों या हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो उसमें भी दे सकते हैं, या आरटीआई की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, किसी व्यक्ति को सांस की नली में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये टेबलेट दिया जाता है। या यदि किसी व्यक्ति को जो है स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो, दस्त की प्रॉब्लम हो, डायरिया की प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये दिया जाता है। घाव हो गया हो, किसी व्यक्ति को स्किनों में सूजन हो गया हो, फोड़े फुंसी घाव हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये टेबलेट दिया जाता है। या कान में भी अगर घाव हो गया हो, आँखों में किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये दिया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो एडल्ट व्यक्ति में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है, एक सुबह में, एक शाम में खाना खाने के बाद दिया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पेटों में दर्द हो सकता है, चक्कर आना या सिर दर्द की स्थिति हो सकती है, सुस्ती और घबराहट जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप जो है सिप्रोवा टेबलेट लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। अब बात करें यह टेबलेट लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए, इस टेबलेट को बच्चों में ना दीजिए, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में तो कभी भी नहीं देना चाहिए। और ये टेबलेट अगर आप लेते हैं, किसी भी प्रकार के एलर्जी हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, या यदि किसी व्यक्ति को सिप्रोफ्लोक्सासिन से किसी प्रकार के एलर्जी हो, तो उस कंडीशन में ये टेबलेट नहीं देना चाहिए। इस टेबलेट को ज़्यादा लंबे समय तक यूज ना करें, और ओल्ड एज के जो व्यक्ति है उनमें सावधानी के साथ ही दीजिए या बहुत ज़रूरत होने पर ही दीजिए। इस दवा को लेने के बाद अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवा है, यह अल्कोहल जो है दवा के प्रभाव को कम कर देती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस टेबलेट को ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सिप्रोवा टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।